जिले में 5200 आयकरदाता किसान ले रहे थे सम्मान निधि। आयकरदाता किसानों से वापस कराई गई 19.52 लाख की सम्मान निधि। मृतक किसानों के परिजनों ने भी 3,17,000 किया रिफंड। गाजीपुर में भारत सरकार की योजना किसान सम्मान निधि के अपात्रों से रिकवरी जारी है। अभी तक जिले में 5200 किसान अपात्र मिल चुके हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है, लेकिन ये किसान आयकरदाता हैं। ऐसे में इन किसानों से रिकवरी की जा रही है। जिले में कुछ मृतक किसानों के भी खाते में भी सम्मान निधि का पैसा गया हुआ है। ऐसे किसानों के परिजनों से रिकवरी की जा रही है। फिलहाल अभी तक 5200 अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि की 19.52 लाख रुपये की रकम की रिकवरी कराई गई है। इसी तरह मृत किसानों के परिजनों से किसान सम्मान निधि की 3.17 लाख की रकम रिकवरी की गई है। देखिए गाजीपुर से ब्रिजेश जायसवाल की रिपोर्ट। सर, अभी आपने भी कहा कि 10 सभी किसान सम्मान निधि का जो तमाम ट्रांसफर होता है किसान उसके संबंधित सर क्या कुछ आपकी जानकारी शेयर जी। जी, यहाँ पर जो हमारा 2011 का सर्वे हुआ था जिला गाजीपुर में, जो किसानों की संख्या है 4,08,382 किसान परिवार थे उस समय। अभी हालांकि संख्या ये बढ़ गई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा पीएम किसान का पोर्टल है उस पर 6,88,001 किसान पंजीकृत हुए, जिनका हम लोगों ने सत्यापन कराया। सत्यापन कराने के बाद जो पहली किस्त गई है किसानों के खाते में वो 5,01,121 किसान लाभान्वित हुए पहली किस्त में। उसके बाद 10वीं किस्त तक पैसा चला गया है किसानों के खाते में। और पहली बार जो पहले पीएम किसान पोर्टल पर जो हमारे किसान थे उसमें तमाम आयकरदाता भी थे जिनके खाते में पैसा चला गया, उनकी गाजीपुर में संख्या 5200 है। 5200 किसान ऐसे थे जो आयकरदाता की श्रेणी में आते थे, उनके खाते में भी पैसा चला गया। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पोर्टल पर जो डाटा सुधार हेतु अवशेष है, जो पीएम किसान के जिसमें संभावना है गुंजाइश है, उसमें किसान लाभ पा सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ मृतक किसान भी होंगे, कुछ भूमिहीन भी होंगे, लेकिन तमाम किसान ऐसे हैं जिनको लाभ मिल सकता है। हम लोग उसका सर्वे करा रहे हैं और सत्यापन करा रहे हैं, वो पात्र किसानों को उनको लाभ दिलाया जाएगा। अभी पोर्टल में कोई प्रॉब्लम थी, जिलाधिकारी महोदय ने मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया कि उसको पोर्टल को ठीक कराया जाए और उसके बाद हम किसानों को लाभ पहुंचा देंगे। वो सत्यापन का कार्य हमारा पूरा हो गया है। जैसे ही पोर्टल सही होता है हम किसानों को संशोधित करके डाटा उसको अपलोड करा देंगे और वो भुगतान के लायक हो जाएगा। तो जब भी अगली किस्त आएगी तो उन किसानों के खाते में भी पैसा आ जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो पात्र किसान हैं वो जो भी रुकी किस्त रहती है जब उनकी किस्त आती है उसी के साथ सारी रुकी किस्त आ जाती है एक ही साथ में। अभी सरकार ने क्या किया है कि हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है कि इसका सोशल ऑडिट नाम दिया है। मई और जून, ये 30 जून तक का हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लेखपाल रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे और हमारे प्रावधिक सहायक ADAG सब लोग मिलकर वहाँ गांव में खुली चौपाल लगाएंगे। वहाँ पर गांव पर हम जो हमारे लाभार्थी हैं जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनकी सूची लगा देंगे। वो गाँव वाइज सूची निकाल ली गई है, निकाल कर तहसीलों में भेज दी गई है। वो सूची ग्राम पंचायत